नमस्कार, जय जगन्नाथ। रिंकुन वर्ल्ड चैनल को आप सबको स्वागत है। चलिए हम आज बनाएंगे चिकन करी। मैंने 400 ग्राम लिया है, उसको 2 चम्मच दही में मैरिनेट करना है। एक चम्मच सरसों का तेल डालना है। MDH मीट मसाला 1 चम्मच डालना है। बस ये हो गया। हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और उसके समय इसी समय हम और सब तैयारी कर लेते हैं जो उसमें मसाला चाहिए। चिकन के लिए 2 प्याज मैंने काट के रखा है, 2 तेज पत्ता, 2 सूखा मिर्ची, 1 टमाटर, 2 पीस अदरक छोटा छोटा टुकड़ा रख लिया है और लहसुन 1 कली जो मैंने छील कर रखा है, उसको इसको पीसना है। और अभी मैं बनाऊंगी कैसे आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर, लहसुन और अदरक इसको मैंने रखा है पीसने के लिए। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, 2 बे लीफ, 3 तेज पत्ता और सूखा मिर्ची उसको डाल देंगे। कटी हुई प्याज उसको डाल रही हूँ। मैं आज बहुत कम मसाला में चिकन बना के आपको दिखाऊंगी। दो चम्मच सॉल्ट लिया है, प्याज भी अच्छे से पक जाएगा। प्याज सुनहरा हो गया है, इसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ, 1 चम्मच हल्दी। डेढ़ चम्मच मिर्ची पाउडर। उसके बाद जो मसाला मैंने रखा था पीस के उसको डाल रहे हैं। मसाला थोड़ा भून गया है, देखिए साइड में तेल दिख गया है। मैं अभी चिकन डाल देती हूँ उसमें। तो पकने के लिए 2 मिनट छोड़ रहे हैं। आधा ग्लास पानी, गरम पानी चिकन में करी के लिए मैं दे रही हूँ। चिकन बॉईल हो चुका है और मैं गरम मसाला डाल रही हूँ चिकन में।
गरम मसाला इसको डाल देंगे एक चम्मच। और बन गया है चिकन, मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। आप इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार बना के देखिए। अगर मेरी चैनल को देख रहे हैं आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अमन चिकन कैसा बना हुआ है? बहुत बढ़िया है।